अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने आपको सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर सेंड कर दिए थे। देन बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर डबल टॉप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था 15 मिनट में। निफ्टी में भी हमने आपको यहाँ पर सेम पैटर्न यहाँ पर बताया था, और लेकिन आपको कहा था कि अगर कल का हाई ब्रेक हुआ तो ये पैटर्न फिर हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब हमारा कल का हाई ब्रेक हुआ था तो यहाँ से 40 पॉइंट अप थी यहाँ पर हमारी निफ्टी, और उसके बाद भी ये यहाँ से हमारी 40 पॉइंट अगेन यहाँ से ये अप साइड थी। तो बैंक निफ्टी की भी अगर आप बात करें तो डबल टॉप पैटर्न जो हमारा बना था वो भी इनएक्टिवेट हो गया था, और उसके बाद यहाँ से 150 पॉइंट हमारी बैंक निफ्टी थी। फिर निफ्टी में हमने आपको फिर अगेन सप्लाई जोन यहाँ पर बताया था, बैंक निफ्टी में भी सप्लाई जोन बताया था, और आपको पता है कि ये सप्लाई जोन हमारे लिए यहाँ पर फ्राइडे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि मार्केट ने सप्लाई जोन को यहाँ से ब्रेक नहीं किया है। फिर निफ्टी में फिर मैंने आपको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बताया था, बैंक निफ्टी में भी यही बताया था, निफ्टी में भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था, और उसके बाद आपको पता है कि सारा दिन मार्केट में जो ये हमारे वन हार में बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे बने थे, सिर्फ उसी के बीच में यहाँ पर हमारी सबने ट्रेड किया है। फिर निफ्टी में भी वन हार में हमारा डार्क क्लाउड यहाँ पर पैटर्न बना था। तो मार्केट सिर्फ ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ सारा दिन ही हमारे यहाँ पर कंसॉलिडेट थी, और हमने आपको बताया था कि अगर इसका लो ब्रेक हुआ वन हार के टाइम फ्रेम का तो देन यहाँ से हमारा पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जब हमारा यहाँ से ये ब्रेक हुआ था, ये हमारा जो लेवल था 48,026 का, देन आप देख सकते हैं फेक ब्रेकआउट था यहाँ से मार्केट में, काफी ज्यादा सेलिंग आने के बाद यहाँ से एकदम अपसाइड हमारा यहाँ पर मूव था, तो इसको हम यहाँ से फेक ब्रेकआउट हम बोलते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स थी जहाँ पर हमने स्मॉल प्रॉफिट्स यहाँ पर कैप्चर किए थे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मार्केट आवर्स के दौरान क्या बन रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब ये देखते हैं कि आप यहाँ पर ट्यूजडे को फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करके चलेंगे, क्योंकि ट्यूजडे को हमारी फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है। सबसे पहले बात करेंगे फिन निफ्टी के यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी डाउनसाइड से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। तो लास्ट वीक हमारे क्या हुआ है, इसी डाउन ट्रेंड लाइन का यहां पर सपोर्ट लिया गया है, और यहीं से मार्केट ने एक अपसाइड हमें मूव यहां पर दिया है, यानी 500 पॉइंट का मूव आपको यहां से अपसाइड देखने को मिला है इस सपोर्ट से। अगर मंडे को हमारा यहां पर 500 के अपसाइड फिन निफ्टी हमारी होल्ड होना स्टार्ट कर देती है और 21,000 यहां पर 550 के लेवल को ब्रेक कर देती है, तो देन आपका जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,700 का। ये आपके लिए फिर फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी 150 पॉइंट का मूव यहाँ से आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर ये भी लेवल हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ तो देन हमारा 21,800 और फिर 850, ये हमारे यहाँ पर टारगेट निकल कर आएंगे ट्यूसडे को। अगर इसके यहाँ पर फिन निफ्टी के हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हमारा ये पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया तो इसी कैंडल का हाई आपका नेक्स्ट वीक के लिए ये हमारा यहाँ पर फिर रजिस्टेंस निकल कर आएगा, और यही हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट फिर आपका निकल कर आएगा। ये हम वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पर आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पर मार्केट 900 तक यहाँ पर आपको शो हो सकती है, अगर ये 500 के अपसाइड यहाँ पर होल्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो आपका ये लेवल आपको फिर डेफिनेटली यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसके यहाँ पर इस लेवल के यानी 500 के डाउन साइड ही मार्केट यहाँ पर ओपन होती है या फिर फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के साथ वो इस 21,400 के लेवल का ब्रेकआउट दे देती है, तो देन आपको फिर से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगी। इस लेवल के डाउन साइड हमारी जो फिर निफ्टी है वो होल्ड होनी ज़रूरी है, तब आपको यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी, और फिर आपका जो टारगेट यहाँ पर रहेगा वो 21,000 यहाँ पर 300 रहेगा, और उसके बाद 21,000 यहाँ पर 200 रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पर फिर टारगेट निकल कर आएंगे। वैसे तो हमें अपसाइड ही मूव नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर उसका हाई ब्रेक हो गया तो वो पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाएगा, फिर देन यहाँ से आपको अपसाइड ही मूव यहाँ पर नजर आएगा, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट फिर रहेगा वो हमारा फिर निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, यानी 22,136 का। तो चलिए फिर अब अपनी इसके इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि आप कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके चलेंगे। हमारे लिए यहां पर जो फर्स्ट रजिस्टेंस रहेगा वो हमारा रहेगा 21,000 यहां पर 588 का, दूसरा 21,639 का, देन 21,707 का, देन 21,783 का, और उसके बाद 21,896। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस हमारे निकल कर आएंगे। अगर अपने सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 21,426 से लेकर
21,400 तक, यानी जो ये 25 पॉइंट की हमारी जो रेंज है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का यहाँ पर काम करेगी। अगर इस सपोर्ट पर आपको कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पर नज़र आता है, यानी मार्केट अगर यहाँ से 100 पॉइंट डाउन आती है और यहीं पर इस 100 पॉइंट के यानी 400 के लेवल पर हमें कोई बुलिश पैटर्न बना मिलता है तो यहाँ से आप अपनी बाइंग करके चल सकते हैं, यानी यहाँ से भी आप अपनी जीरो टू हीरो ट्रेड आप बनाकर चल सकते हैं अपसाइड के लिए। तो उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 21,349 का, देन 21,298 का, देन 21,000 यहाँ पर 219 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके सपोर्ट निकल कर आएंगे। मार्केट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 20 को जो इलेक्शन है, यानी हमारा जो यहाँ पर मई की 20 को यानी मंडे को हमारा जो इलेक्शन है पार्लियामेंट का, तो उसके यहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ पर मूव आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान यहाँ पर मार्केट में आने वाला है। या तो वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अपसाइड लेके जाएगा या मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड लेकर आएगा, क्योंकि अगर फ्राइडे की मार्केट को देखें तो कंसोलिडेट थी, सैटरडे की मार्केट को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि मार्केट में सिर्फ वो एक हमारा यहाँ पर टेस्टिंग होती है, तो उस दिन मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं होता है। लास्ट टाइम भी हमारा कुछ भी नहीं हुआ था हमारे दोनों ट्रेडिंग सेशन में, तो इस सैटरडे की मार्केट को हम छोड़ देते हैं, फ्राइडे को मार्केट को यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेट थी। तो हमें जो ये रेंज हम आपको बता रहे हैं, ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने पर आप अपनी एंट्री यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर अपसाइड होल्ड दिया हो या फिर वो पहले यहाँ पर कंसोलिडेट हुई हो रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर, और फिर अगर उनका वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं तो देन आप यहाँ से अपनी ट्रेड को बनाकर चल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।